नमस्ते साहब, कैसे हैं? आइए बैठिए ना साहब। अच्छा नहीं लगता आप जैसा बड़ा आदमी ऐसे रास्ते पे चलते हुए। आइए ना, आइए। जाओ उधर। बड़ा सौभाग्य है साहब आज हमारे साथ बैठे। कौन हो? हा नहीं, नाम नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ा आदमी। इसका नाम मालूम है साहब क्या है? आदम शेख। गुस्सा आता होगा ना इन लोगों को, गोली से उड़ा देता मैं आपकी जगह होता। लफड़ा क्या है, मैं आपकी जगह ले नहीं सकता, लूंगा भी नहीं। ए सावन, एक बात बता, तू ऐसा रात को ड्यूटी कर रहा है और तूने देखा कि एक आदमी गलत काम कर रहा है और तूने उसको रोका। अब साला ये बात वो आदमी को पसंद नहीं आई, उसने ये भी नहीं सोचा कि बाबा तू पुलिस वाला है, अपना ड्यूटी कर रहा है। नहीं, वो उल्टा तेरे पे गुस्सा हो गया और तेरे को धक्का मार के नीचे जमीन पे गिरा दिया। तो तू क्या करेगा बोल? रात भर उसको इतना मारूंगा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, पता नहीं चलेगा कि सर का कौन सा और पैर का कौन सा। अरे हम लोग वही करते हैं, कुछ नया बोल। नया मतलब? मतलब जिसने हमको धक्का मारा है उसको हमने उल्टा धक्का नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। तो ये एक दूसरे को धक्का मारते रहने का ये लॉन्ग चेन जो है वो टूटेगा ना? हाँ। अरे तू तो समझा नहीं रहे। अभी ये आदम शेख है मुसलमान और मैं हिंदू, तू करम पाटी, मैं इसको धक्का मारता और ये मुसलमान मुझे धक्का मारता है। अब मेरे बगल में एक हिंदू खड़ा हो जाता है, उसके साथ दो मुसलमान खड़े हो जाते, यहाँ से चार हिंदू, आठ मुसलमान, हिंदू मुसलमान, धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का चलते रहता है। जवानी में शुरू होता है, बुढ़ापे तक चलते रहते। नहीं मैं अभी तक धक्के खा के जी रहा हूं और बूढ़ा हो गया, मैं तो भी रिटायर होने वाला हूं, लेकिन तुम लोग रिटायर होने से पहले कुछ अलग करने का सोचेगा कि नहीं? हाँ जरूर। नहीं आपको क्या लगता है साहब? हाँ ए साहब का बहुत टाइम खोटी किया, सॉरी साहब। ए थामो रे, जाइए साहब, गुड नाइट। मैं तो अभी रिटायर होने वाला हूं, लेकिन हमारा कदम साहब वो मिलता रहेगा आपसे। गुड नाइट। या सॉरी काका, अभी नहीं आएगा बॉल, कसम से बॉल दो ना प्लीज। ए क्रिकेट मत खेलो, ये अंग्रेजों का खेल है, इनके इस क्रिकेट की वजह से इस पर आ गई ये गेंद। जानते हो क्या है, महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, धर्मयुद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म पर संकट आता है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं।
यही सर्वश्रेष्ठ पुराना ज्ञान है, लगभग 10,000 साल पुराना, और ये हिंदुस्तान की देन है। पता है उस समय हिंदुस्तान कितना बड़ा देश था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, भूटान, नेपाल, ये सारे देश हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। यही था अखंड भारत जो हमसे छीन लिया गया और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। क्यों, क्या हम कायर हैं? मतलब जिसने हमको धक्का मारा है उसको हमने उल्टा धक्का नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। तो ये एक दूसरे को धक्का मारते रहने का ये लॉन्ग चेन जो है वो टूटेगा ना? नहीं, जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हर धर्म समान है और अनेक धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। अब मेरे बगल में एक हिंदू खड़ा हो जाता है, उसके साथ दो मुसलमान खड़े हो जाते हैं, यहाँ से चार हिंदू, आठ मुसलमान, हिंदू मुसलमान, धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का। जवानी में शुरू होता है, बुढ़ापे तक चलते रहता है। लेकिन तुम लोग कुछ अलग करने का सोचेगा कि नहीं?